टाइगर 3 जो सलमान खान की ऐसी मूवी है जिसे सभी लोग काफी पसंद किए हैं। ये यूनिवर्स एक अलग ही यूनिवर्स बन चुका है जहाँ पर टाइगर, पठान, वॉर सब एक साथ आने वाले हैं। जैसे कि आप इसी वाले मूवी में देख लीजिए जहाँ पर पठान और टाइगर एक साथ मिले हैं। आपने ये मूवी देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप देखोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी के बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा जिसे आप देखकर काफी ज्यादा एंजॉय भी करोगे। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर आप सलमान खान और शाहरुख खान के फैन हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, 50 के काफी करीब है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत बिहाइंड द सीन से करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले सीन को देखेंगे जहाँ पर सलमान खान एक एजेंट को बचाने जाते हैं पाकिस्तान से। इस वाले सीन में आपने काफी बड़ा बाइक चेजिंग वाला सीन देखा होगा जहाँ पर सलमान खान ने कमाल के स्टंट मार के काफी सारे सीन क्रिएट किए थे। उन सारे सीन को कैसे डबल बॉडी से यूज करके सीन को शूट किया गया था वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। जहाँ पर पहले बाइक को किस तरीके से मूव करने का है उसकी शूटिंग पहले हुई थी, उसके बाद सलमान खान का एक ग्रीन स्क्रीन के पीछे क्लोजअप का शॉट लिया गया था, जिसके बाद दोनों को मिलाकर एक फाइनल शॉट क्रिएट किया गया था। मूवी में आपने इंटरवल के बाद ये वाला सीन को तो देखा ही होगा जहाँ शाहरुख खान पाकिस्तान के आर्मियों से बचने के लिए टूटी ब्रिज को कुछ इस तरीके से पार करते हैं। ये सीन मूवी में देखने के बाद काफी ज्यादा क्रेजी लगा था, लेकिन इसकी शूटिंग देखोगे तो आप एकदम चौंक जाओगे कि भाई इसे इस तरीके से शूट किया गया। इस वाले सीन की शूटिंग आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसे कैसे शूट किया गया, जहाँ पर एक टूटे हुए डमी ब्रिज के सामने आप देख सकते हो कि कैसे ब्लू स्क्रीन को लगाया गया था, और उसके बाद डबल बॉडी के हेल्प से और केबल के हेल्प से इस वाले सीन को शूट किया गया था, जिसे आप इजीली अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि उस बंदे के पीछे कैसे एक केबल लगा हुआ है जिसे एडिटिंग के जरिए वहां से हटा दिया गया। गाइस आपने मूवी में तालिबान का एक काफी बड़ा साम्राज्य देखा होगा जहाँ पर इंडिया का एक एजेंट 3 साल से लापता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो चीज आपने मूवी में देखी थी कि भाई ये सिटी कुछ इस तरीके से दिखती है, इतनी खतरनाक दिखती है, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसे पूरा का पूरा सीजीआई के हेल्प से बनाया गया है, जिसका वीएफएक्स ब्रेकिंग आप अपने स्क्रीन पे इजीली देख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी बाइक चेजिंग के सीन थे उसे एक स्टूडियो में शूट किया गया था जो मुंबई में लोकेट करता है। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि कैसा एक स्टूडियो में सेटअप पूरा बनाया गया है। आजू बाजू में ब्लू स्क्रीन को रखा गया है और बीच में इस सीन को पूरी तरीके से शूट किया गया है। बाद में एडिटिंग का यूज करके ब्लू स्क्रीन को हटाकर रियल लोकेशन को मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर आपने एक हेलीकॉप्टर को भी देखा होगा जो ऊपर से आता है और सलमान खान पे काफी ज्यादा अटैक करता है। मूवी में इस वाले सीन के लिए कोई भी हेलीकॉप्टर का यूज किया ही नहीं गया था। पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे सीजीआई के हेल्प से बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ पायलट का शूटिंग अलग से किया गया है और उसके बाद सीजीआई के साथ मर्ज कर दिया गया है। इसी के आगे आपने ये भी देखा होगा कि पहाड़ पे कैसे सलमान खान बाइक लेके चढ़ते हैं। मूवी में इस सीन को देखने के बाद पूरा का पूरा रियल लग रहा था, लेकिन जब इसका वीएफएक्स ब्रेकडाउन किया गया तो पता चला भाई ऐसा कोई लोकेशन ही नहीं है, जिसका सीधा सीधा प्रूफ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। इसे पूरा का पूरा सीजीआई के हेल्प से बनाया गया है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर को भी यहाँ पर सीजीआई के हेल्प से बनाया गया है। सिर्फ आगे के थोड़े से हिस्से को एक स्टूडियो में बनाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे पीछे ब्लू स्क्रीन को लगाया गया है और क्लोजअप में शूट किया गया है। गाइस ऐसे मूवी में अगर वीएफएक्स का ज्यादा यूज किया जाता है तो भाई सिर्फ क्लोजअप का ही शॉट रियल रहता है, बाकी सारे सीन को वीएफएक्स के हेल्प से ही बनाया जाता है। मूवी में आपने इस वाले सिटी को देखा होगा जहाँ पर टाइगर आता है सीक्रेट मिशन को चुराने के लिए। इस वाले सीन में आपने एक बड़ा सा टावर देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपको इसका रियल पिक्चर दिखाऊंगा तो वो छोटा रहेगा, जिसका वीएफएक्स ब्रेकिंग आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। यही पर टाइगर आता है और वो सीक्रेट मिशन को चुराता है। यहाँ पर आपने देखा था कि वो इस मशीन से इस टावर के अंदर घुसता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे बिहाइंड द सीन में तो भाई ऐसा कोई टावर ही नहीं है और ऐसा कुछ मशीन का यूज ही नहीं किया गया। यहाँ पर मशीन से जंप करने के लिए कुछ इस तरीके का सेटअप बनाया गया था, जहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडियो में कैसे आजू बाजू पे ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया, और उसके बाद जब सलमान खान यहाँ से जंप मारते हैं तो उन्हें कैसे एक पर्दे पे जंप करने के लिए बोला गया। इसी तरीके से आपने इस वाले सीन में देखा होगा कि भाई क्लॉक का एक मशीनरी भी आपको देखने मिला होगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग था, लेकिन इसका वीएफएक्स ब्रेकडाउन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे भी सीजीआई के हेल्प से बनाया गया है, लेकिन एडिटिंग करके इसे मूवी में कितना अच्छा दिखाया गया। मूवी में आपने एक छोटा सा फाइट देखा होगा जहाँ पर सलमान खान और शाहरुख खान मिलकर फाइट किए थे। इस वाले सीन में आपने ये भी देखा होगा कि फाइट के बाद सलमान खान और शाहरुख खान उस ब्रिज से कूद जाते हैं, जिसका बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसे कैसे एक स्टूडियो में शूट किया गया है। स्टूडियो में कुछ इस तरीके का सेटअप बनाया गया है जहाँ पर आजू बाजू ब्लू स्क्रीन का यूज किया गया है। आप स्क्रीन पे ये भी देख सकते हो कि भाई दोनों भाई आराम से लटके हुए एक स्टूडियो में, जिसे शूट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब दोनों भाई ब्रिज से जंप मारते हैं तो एक ही पैराशूट में दोनों जाते हैं। पैराशूट वाले सीन को शूट करने के लिए एक अलग सा सेटअप बनाया गया था, जहाँ पर आप देख सकते हो कि चारों तरफ ब्लू स्क्रीन का यूज किया गया है। एक केबल पे दोनों भाइयों को लटका कर इस सीन को आराम से शूट किया गया है। दोनों भाई केबल पे लटक कर एक डायलॉग बोले और उसके बाद उस डायलॉग को आपके सामने परोस दिया गया, जो मूवी में देखने के बाद भाई काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। शाहरुख खान ने जब मूवी में एंट्री मारा था तो भाई शाहरुख खान ने क्या फनी मूवमेंट बनाया था। ऐसे ही जब सलमान खान ने पठान में एंट्री मारा था तो वहां पर भी सलमान खान ने काफी फनी मूवमेंट क्रिएट किया था। और अगर आपने पठान मूवी देखी है लेकिन अगर उसकी बिहाइंड द सीन नहीं देखी तो प्लीज जाइए, चैनल में पड़ी हुई है, वहां से देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। लेकिन उससे पहले
मैं आपको बता दूं, इस मूवी की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, टर्की और रशिया में हुई है। जहां पर आप ये रशिया वाले सीन को देख सकते हो कि यहां पर एक शूटिंग हुई थी जहां पर कटरीना कैफ का एक छोटा सा फाइट देखने मिला था। यहां पर आपने देखा होगा कि कटरीना कैफ टर्की के पुलिस वालों से लड़ पड़ती है और वहां पर एक कमाल का फाइट निकालती है। इस वाले सीन की शूटिंग आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसे कैसे शूट किया गया। उसी के बाद आपने मूवी में आगे देखा होगा कि रोड पे कटरीना कैफ का एक छोटा सा फाइट होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस वाले सीन की भी शूटिंग टर्की में ही हुई है, जहां पर आप रोड पे इस वाले सीन को शूट करते हुए देख सकते हो। इस वाले सीन को शूट करते समय काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहां पर टर्की के असली पुलिस इस भीड़ को संभाले थे। इस भीड़ को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि सलमान खान की फॉलोइंग वहां पर भी काफी ज्यादा है। अब सलमान खान की फॉलोइंग कितना है और उनके नाम से कितना हाइप बनता है, ये मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा, जिसका मैंने नाम रखा है हाइप। सलमान खान की मूवी आती है और वो हर साल धमाका मचा के जाती है, चाहे वो मूवी अच्छी हो या नहीं, लेकिन पब्लिक उसे प्यार जरूर देती है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि भाई सलमान खान को सालों बाद देखने मिलता है। टाइगर 3 को हाइप पिछले एक सालों से दी जा रही है, जहां पर सभी को लगा था कि भाई टाइगर 3 में ऋतिक रोशन आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। लेकिन वो भी एक हाइप बनाने का काफी बड़ा रीजन था। लेकिन इस यूनिवर्स में भाई ये आने वाले हैं विलन बनकर। इस मूवी को काफी बड़ी हाइप दी गई थी, जहां पर अलग अलग जगह पे इसका प्रमोशन हुआ था और मुझे ऐसा लगता है यही एक ऐसा रीजन है कि 300 करोड़ में बनने वाली ये मूवी 400 करोड़ की कमाई की है। अब कमाई थोड़ी कम है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि भाई इतनी भी अच्छी मूवी नहीं है। स्टोरी बिल्कुल घिसा पिटा है और इसलिए मुझे लगता है कि किसी को भी ये मूवी नहीं पसंद आई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि सलमान खान जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर तो रिकॉर्ड बनना फिक्स है, लेकिन इस मूवी ने एक भी रिकॉर्ड नहीं बनाया। लेकिन फिर भी सलमान खान के नाम पे इस मूवी को काफी बड़ी हाइप मिली थी। वैसे मूवी के आखिरी में ये बता दिया गया कि भाई ऋतिक रोशन आने वाले समय में हमें दिखने वाले हैं सलमान खान के साथ। अब उस आने वाले पार्ट का तो भाई नाम रिवील नहीं किया गया, लेकिन इतना बता दिया गया कि जो आने वाला पार्ट होगा उसमें ऋतिक रोशन विलन होंगे। अब भाई अगर ऋतिक रोशन विलन बनेंगे तो भाई तबाही है उस मूवी में। तो देखते हैं क्या होता है, वो वाली मूवी तबाही करती है या फिर इसी मूवी के तरह 100 करोड़ कमा के बस बैठ जाएगी। ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करेंगे तो भाई ठीक ठाक है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। वैसे पब्लिक की तरफ से इस मूवी को ज्यादा रेटिंग नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है और अपनी फैमिली के साथ देखना है तो प्लीज जाइए देख सकते हो। मूवी में यही है कि भाई सलमान खान पहले जाते हैं किसी को बचाते हैं और उसके बाद खुद ही फंस जाते हैं। और फंसते कहां पर है, पीसफुल कम्युनिटी देश में यानी कि पाकिस्तान, जहां पर पीसफुल कम्युनिटी के लोग रहते हैं और वहां पर काफी पीसफुल नेचर होता है। यहाँ पर जाके वो फंसते हैं, उसके बाद वहाँ की प्राइम मिनिस्टर पे थोड़ा खतरा हो जाता है तो उन्हें भी वो बचाते हैं, जिसके बाद वो साबित करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये सभी को मालूम है, ये सब तो भाई पिक्चर में ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरफ से जो हाथ मिलाता है उसका हाथ तो काटा ही जाता है, तो इसलिए ये चीज भाई पिक्चर तक तो काफी अच्छी है। बाकी ये मूवी कैसी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसे 10 में से आप कितना रेटिंग दोगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। और एक बार फिर से कह देता हूँ भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 50 के काफी करीब है। भाई चैनल को सब्सक्राइब करने का एक ही फायदा रहेगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ फाइटर के बिहाइंड द सीन को, तो अगर आपको उसे मिस नहीं करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इससे पहले मैंने 12th फेल, जवान और सलार के बिहाइंड द सीन को बनाया है, तो जाके आप उसे भी देख सकते हो। नहीं तो आपके राइट या लेफ्ट में 12th फेल और सलार का वीडियो आता होगा, तो आपको जो पसंद है उसे जाके क्लिक करके देखिए, क्योंकि मैं आपको मिलूंगा अब एक अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।